गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे DRDO, DMRC और रेलवे के लिए GK, ठीक है, विद करेंट अफेयर। मैं बता दूं कि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन बेसिक करवा रहा हूं, अगर आप लोग को देखना है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई तो आप लोग मुझे रात में मैं शाम में एक अपलोड करता हूँ SSC का क्लास, जो SSC से रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्म भरे हैं तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। सो देखते हैं आगे की ओर। इससे पहले बता दें लाइक ज़रूर करना भाई लोग, देखते हैं आगे की ओर। वैसे पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 SP में सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग पार्टी बना ली जिसका नाम क्या रखा था। मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि कांग्रेस छोड़ने के बाद, ठीक है, और जो 1949 SP में सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलग पार्टी बनाया जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम क्या था, एक सोशलिस्ट ब्लॉक तो नहीं था, ठीक है, ये भी नहीं था, ये फॉरवर्ड ब्लॉक था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों ने किसी ग्राहकों को अपने चालू खातों में जमा राशि से अधिक चेक काटने का की अनुमति को क्या कहते हैं, ठीक है, काटने की अनुमति को क्या कहते हैं। सो इस निजी ऋण तो नहीं बोलेंगे, सो ए वन आंसर नहीं होगा, साधारण ब्याज भी नहीं बोलेंगे। सो बिल्कुल ही ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है। होंडे के बट्टा देने पे ये भी नहीं होगा, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ओवर ड्राफ्ट हो जाता है इसका आंसर। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन, हमारे संविधान का निदेशक का सिद्धांत क्या है, कानूनी अदालतों के द्वारा। ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ, ये भी नहीं होगा, आशिष रूप से अपरावर्तित, ये भी नहीं होगा। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, कानूनी अदालतों के द्वारा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा गाइस। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन ही है। भारतीय संविधान के अधिकांश, क्योंकि बेसिक ही आता है, मैं बता दूँ DRDO का पेपर में बताया हूँ कि बेसिक ही आता है गाइस, और मे बी अगर बात करें DMRC वगैरह का भी कुछ क्वेश्चन का लेवल नहीं होता है, हाँ SSC का होता है। सो आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ मैं प्रीवियस ईयर ही बताता हूँ और वहाँ भी करेंट अफेयर होता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपलब्धताओं का संशोधन किया जा सकता है राज्यसभा और विधानसभाओं का एकत्रित मिलके, और ये अकेला संसद के द्वारा, जाहिर सी बात है सब कोई कर सक, ये अकेला संसद के पास ही होता है। भारतीय संविधान का अधिकांश संबोधन संशोधन, जाहिर सी बात है कि जो भारतीय संविधान का संशोधन कौन करता है, तो ये अकेला संसद के द्वारा ही संशोधन होता है, ठीक है, ना कि और सब ये होगा, ना कि ये आधे राज्य के द्वारा, आधे संसद विधानसभा के द्वारा नहीं होगा, ठीक है। सो हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक को क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक को क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है बिल्कुल ही हर्षवर्धन तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, रतन वाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा गाइस। सो अगला, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ बिल्कुल ही हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक है, इजी क्वेश्चन है, और सब जानते हैं बुद्धि नहीं होगा, तो कुशलता भी नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगा, ज्ञान होता है वेद शब्द का मतलब। सो आगे क्वेश्चन है, भारतीय के प्रति स्वतंत्रता रू दी गई, भारत में प्रति स्वतंत्रता रू दी गई, क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1990 के द्वारा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, नहीं गाइस। सो ये भारतीय के प्रति स्वतंत्रता, ये इसका आंसर सी हो जाएगा गाइस, भारत सरकार का अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में देश से बचाओ के संविधान का हिस्सा किस क्षेत्र से आता है, ठीक है, सर घरेलू क्षेत्र से नहीं होगा, व्यावसायिक क्षेत्र से गाइस, व्यावसायिक क्षेत्र से तो नहीं होगा। क्वेश्चन है, भारत में देश बचाओ, अच्छा देशीय बचाओ संवैधानिक हिस्सा किस क्षेत्र से आता है, ठीक है, सो घरेलू क्षेत्र से आता है, ना कि सार्वजनिक क्षेत्र से आता है, ये सब नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। सो देखते हैं आगे और क्वेश्चन। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि वह संस्था जो कौन सी मुख्यतः भुगतान के शेष राशि असंतुलन के दूर करने के लिए ऋण देती है, तो IMF। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, वह संस्था जो कौन सी जो मुख्यतः भुगतान को शेष राशि के असंतुलन को दूर करने के लिए ऋण देती है, IMF, ठीक है, जाहिर सी बात है IMF देती है, और बता दें IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। सो आप लोग मुझे बताइएगा उसका ऑफिस कहाँ पे है,
मुद्रा स्थापित के दौरान बैंकों का दर का स्थिति कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है और ये लो हो जाता है या स्थिर हो जाता है या क्या होता है गतिमान हो जाता है, तो गैस क्या हो जाता है हाई हो जाता है मुद्रा स्थापित के दौरान। सो अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस देश के मानव विकास के किस प्रकार प्रगति पर पड़ता है। अगला सही से क्वेश्चन सुनिएगा, मानव विकास का सूचकांक किस देश के मानव विकास के किस प्रकार की प्रगति पे मापता है, तो जैसे बताते हैं निरपेक्ष नहीं होगा, प्रति व्यक्ति भी नहीं होता है, प्रतिशत भी नहीं होता, औसत के रूप में मापता है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य जिसका 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहला राष्ट्रीय पंचायत राज प्रणाली लागू करवाया था। सो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और गया बात है राजस्थान क्योंकि ज़्यादा आता है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, ना कि महाराष्ट्र पंचायत राज सबसे पहले प्रणाली राजस्थान में ही लागू करवाया गया था। ठीक है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। सो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एम लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। सो जीबी मलवाड़ा था, मावलंकर था, सॉरी लोकसभा का पहला अध्यक्ष था, गणेशी वासुदेव नाम था गाइस। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा, आप लोग मुझे बोलिएगा क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकता हूँ, बिकॉज मैं नहीं करता क्योंकि मुझे बच्चे बताए थे सर आप ओनली फॉर क्वेश्चन करवाएं, सो इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाही का आरंभ करने के लिए उसमें उपस्थित सदस्य की संख्या कम से कम कितना होनी चाहिए। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई लोकसभा है और राज्यसभा है उसमें उपस्थित सदस्य की संख्या कितना होनी चाहिए, कम से कम और कितना होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है 1/10 होनी चाहिए। सो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा, कुल सदस्य की 1/3 नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा, कुल सदस्य को 1/10 में होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 100 सदस्य नहीं होते। गांधी जी सर्वोदय दर्शन किस पुस्तक से प्रभावित था। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जॉन स्क्रीन्स की अटूट द लाइफ्स लास्ट। सो इसका आंसर ए हो जाएगा, ना कि जे एफ मिलकर ये सब नहीं होगा इस, सो ये सारा नहीं होगा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे, कौन सा स्थान पे हुआ था। सो क्वेश्चन कहने का मतलब है अमीर खुसरो का जन्म का स्थान है मतलब कहाँ पे हुआ था अमीर खुसरो का जन्म गाइस। सो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था सी आंसर हो जाएगा, ना कि लाहौर फरीदाबाद नहीं होगा, पटियाली में होगा। सो गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। सो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है गाइस। सो गुप्त वंश का अगर बात करें तो जय श्री बात गरुड़ है और उसका था, ना कि लक्ष्मी था, बढ़ा हुआ था ना, सांड भी नहीं था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है गुप्त वंश क्या है। गुप्त वंश में कौन सा सम्राट भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था, तो श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को, तो किसे माना जाता था। सो बिल्कुल ही क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को माना जाता था क्या, तो नेपोलियन माना जाता था भारत का। ठीक है, सो विजयनगर काल का उदाहरण कहाँ पर पाई जाती है। सो गाइस विजयनगर, सोमनाथ, हम्पी, ठीक है, और जाहिर सी बात है हम्पी में, ठीक है, उदाहरण पाई जाती है विजयनगर काल का, अगर बात अमरावती वगैरह नहीं होगा। सो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था, द बंगाल गजट ही पहला था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा गाइस, ये नहीं होगा, बॉम्बे द संघर्ष नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक वंदे भारत का उपलब्ध करवाया था। सो गाइस ये मैं आप लोग के लिए घर के लिए दे देता हूँ क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन करवाया था, सॉरी आज मैं करंट अफेयर नहीं करवा रहा हूँ, बट हाँ SSC की क्लास आएगी शाम में, क्वेश्चन का इम्प्रूव रहेगा उसमें, मतलब क्वेश्चन का लेवल कुछ ज़्यादा रहेगा, बेसिक है भी, सो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी करंट अफेयर और ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नील दर्पण जो भी है आपका आंसर आप लोग मुझे भेजकर बताइए किस पुस्तक का वंदे भारत ने उपलब्ध करवाया था। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।